बार फिर देखिए। तब्बल 52 वर्षांनंतर थाळीफेक पटू कृष्णा पुनियानं 61.51 मीटर थाळीफेक करून सुवर्ण कामगिरी केली। या स्पर्धेत हरवंत कौरनं सिल्वर आणि सीमा अंतिलनं ब्रॉन्झ जिंकलं आणि हॅट्रिक मारली। जैसे हम मार्च पास कर रहे थे ना, तो शूटिंग वाले हमें कमेंट कर रहे थे, सबको पता है इवेंट मेडल किस में आते हैं, तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम भी ट्राई करेंगे। 4 साल की ट्रेनिंग को आपको एक थ्रो में प्रूव करके दिखाना था, तो फर्स्ट थ्रो में ही जैसे मैंने ये कर दिखाया। मुझे बहुत खुशी है और सारे देश को इस बात की खुशी है। बधाई देता हूं मैं इनके पेरेंट्स को, इनके कोचेस को, इनके मैनेजर को, जिन्होंने इतना काम करवाया। कृष्णा स्त्री शक्ति की नई गाथा। कृष्णाच्या वडिलांना तिचा खूप अभिमान वाटतोय। हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा था, जो है ना देश के लिए इतना बड़ा सम्मान उन्होंने कायम किया है। जयपूर मध्ये तिच्या सासूला आजही आठवते ती कृष्णाची प्रॅक्टिस चालू असताना होणारी तारांबळ। ती खेळासाठी खूप मेहनत घेते आणि तिच्या मेहनतीचं फळ ही मिळाले। तिने ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जिंकलं आणि आम्हा सगळ्यांनाही त्याचा अभिमान आहे। मेरे बॅक इंजरी के बाद मैंने छोड़ दिया था, तो ये चाहते थे कि मैं कर सकती हूँ। मेरे मन में नहीं था कि मैं आगे स्पोर्ट्स करूंगी, बेटे का जन्म हो गया था, नौकरी भी मिल गई थी मुझे, तो पर इनको ये था कि जो चीज तू कर सकती है वो कर, जो किसने अभी तक नहीं किया है वो कर सकती है। शादी के बाद ही एक्चुअली मेरी जैसे जो मेरी पहचान बनी है ना, शादी के बाद ही बनी है। गांव में ऐसे होता है कि शादी कर देते हैं 10th के बाद, 12th के बाद, लेकिन मेरे पापा के विचार जैसे थोड़े अलग हटके हैं कि वो नहीं चाहते थे कि छोटी एज में मेरी शादी हो, और उन्होंने डिसीजन लिया था कि आगे मैं पढ़ूं, और फिर इस डिसीजन के बाद मेरी एक ये लाइन बनी। दुसऱ्या स्थानावर समाधान मानावं लागलेल्या हरवंत कौरलाही यश सहजासहजी मिळालं नाही। मुझे पंजाब गवर्नमेंट से कोई जैसे कोई प्रमोशन नहीं मिला था, जैसे पुलिस में ज्वाइन किया उसके बाद, तो तब मैं जा रही तो मेरे ऊपर ये प्रेशर था भी आज ही बस मेरा चांस है, इसके बाद मेरा लाइफ में और चांस नहीं, अगर मैं इसमें कुछ कर दूंगी तो मेरी लाइफ अगर सेटल हो सकती है। एथलीट्स मध्ये भारताची परिकथा प्रत्यक्षात आणणाऱ्या मुलींना ही खरतर सुरुवात वाटते। हम एक कस्बे से, एक छोटे से गांव से उठ के एक हिस्ट्री कायम कर सकते हैं, तो हर लड़की ऐसा कर सकती है। तो लड़की के पीछे जैसे उनको आप पीठ थपथपाएं कि तुम करो, अगर कृष्णा पुनिया कर सकती है तो तुम क्यों नहीं। पुण्याच्या अनिसा सय्यद साठी स्पोर्ट्स ही पॅशन होती। कॉलेज मध्ये असताना तिने फुटबॉल आणि कबड्डी पासून सुरुवात केली, पण नंतर शूटिंग वर लक्ष केंद्रित केलं। शादी के बाद कभी सोचा कि क्या आगे कंटिन्यू कर सकती हूँ। शूटिंग में बुरखा पहनकर कर सकते हैं, साड़ी पहन के कर सकते हैं, सलवार कुर्ता पे पहन सकते हैं, हिजाब लगा के कर सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से, तो मेरे लिए गेम बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने बोला कि अनिसा क्या लगता है तुमको, तो बोले दीदी इस बार नहीं, बहुत हो चुका दीदी, अब मैं लेकर आऊंगी। उसकी आंखों में जो चमक थी और उसका कॉन्फिडेंस जबरदस्त है, आज तक उसने जो भी कहा है कि मैं ये करूंगी तो उसने वो कर दिखाया है। अनिसानं गेम्समध्ये गोल्ड आणि सिल्वर मेडल जिंकल्यानंतर तिच्याकडे आता भारताची शूटिंग स्टार म्हणून बघितलं जात आहे, तर पुण्यात तिचं यश हे असं सेलिब्रेट करण्यात आलं। दो में गई थी इस डिवीजन के लिए, उसके बाद स्टेट, नेशनल और फिर आगे सफर बढ़ता गया इंटरनेशनल, साथ साथ कॉलेज में आने का फुटबॉल, दोपहर में टीचिंग एंड सामने शाम में स्टूडेंट, इस तरह से वो उसका सफर चलता रहा। रेलवे मध्ये टीसी ची नौकरी करत 17 तास आपल्या शूटिंगच्या सरावाला देताना अनिसाला तारेवरची कसरत करावी लागायची, तीही सरकारी मदत आणि पाठिंब्याशिवाय। म्हणूनच अनिसानं 2 महिन्यांपूर्वी नोकरी सोडली। आता तिच्या मेडल्सनी रेल्वेचं लक्ष वेधून घेतलंय, पण अनिसा म्हणते आता खूप उशीर झालाय। 8 साल की करियर में और जल्दी मैं आगे बढ़ सकती थी, मुझे गाइडेंस ज़्यादा नहीं मिला, कोचिंग ज़्यादा नहीं मिली, वेपन्स इक्विपमेंट मतलब नहीं मिला, अपने बलबूते पे जो भी करना था, तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ी पीछे स्लो रह गई हूँ। Thank you.
भारताच्या सुवर्ण कन्यांनी इतिहास घडवला. मनदीप कौर तर या ऐतिहासिक विजयानंतर निशब्द झाली होती आणि तिच्या घरी पंजाब मध्ये आनंदाला उधाण आलं होतं. बहुत खुशी होई. पहिले तर डकते रे की ना काम करते कुड़ियों वास्ते नहीं ठीक है. पिंड से जाके बहुत औखी गई. मेडल्स आणि ट्रॉफीजनी मनदीपच्या घरात बरसात झाली. पण एकेकाळी मनदीपला न खेळण्यासाठी मनस्ताप सहन करावा लागला होता. घर आले मम्मी पापा चंगा नाही समजते की कुड़ी वाली गेम चंगी नाही आहे. जाणा पैदा टीम मध्ये अश्विनीसाठीही अक्षरशः हे एक ड्रीम रन होत. अशक्य गोष्ट शक्य करून दाखवायची होती. मुझे बहुत सपोर्ट किया क्योंकि टू इयर्स बैक मेरा परफॉर्मेंस इतना डाउन था, मॉरल डाउन था, इंजरी चल रही थी कि मेरे को थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं था कि क्या आगे मैं, मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था मैं इस लेवल में पहुंची हूँ आज. मुझे मतलब ये एक भगवान की दुआ, भगवान की क्या बोलते हैं कि ब्लेसिंग है और जो पेरेंट्स से ब्लेसिंग है सबकी वजह से हुआ. उडपीत आपल्या घरी परतल्यावर तिच्या आई वडिलांच्या आनंदाला सीमा नव्हती. मी जगातला एक अभिमानी पिता आहे असं मी म्हणेन. तिला मिळालेलं यश सुखावणार आहे. त्यानिमित्तानं टीव्हीवर तिला बघताना खूप आनंद होतोय. छोट्या छोट्या शहरातल्या या मुलींनी मोठं स्वप्न बघण्याचं धाडस केलं. खेळात एक इतिहास नोंदवला. हा इतिहास या गोष्टी कित्येक पिढ्यांना प्रेरणा देतील. याच सुवर्णकन्या भारताचा तिरंगा अभिमानानं फडकवत राहतील आणि चक दे इंडियाचा संदेश देत राहतील.